क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे प्रभु टीवी के माध्यम से? सर, प्रथम तो गुरुवर के चरणों में साधन नमन, और मैं इस पब्लिक टीवी इंडिया के संचालक कहना चाहिए, संस्थापक कहना चाहिए, अंकित को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने इतने उसमें जो है कम उम्र में अपने ये चैनल शुरू करा, एक मुरादाबाद को नया मीडिया का चैनल दिया है, जो कि आज की तारीख में बिजनेस के हिसाब से भी, किसी भी चीज़ को प्रसिद्धि के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि महाराज जी के आशीर्वाद से ये बहुत जल्दी जो है हम सबके बीच बहुत पॉपुलर हो, और इसके माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो में। और आज इसी के प्रथम बार में मैं जो पूज्य गुरुदेव सुधांशु जी महाराज द्वारा दिवलोक आश्रम मुरादाबाद में स्थापित किया हुआ है, और वहाँ पे जो प्रकल्प चल रहे हैं, उनकी जानकारी इसमें पब्लिक टीवी इंडिया के द्वारा पूरे मुरादाबाद जनपद को देना चाह रहा हूँ। इस दिवलोक आश्रम पे महाराज जी द्वारा स्थापित हमारा जो है विश्वनाथ शिव मंदिर स्थापित है, गौशाला स्थापित है, यज्ञशाला स्थापित है, शनिदेव का मंदिर है, नक्षत्र वाटिका है, नवग्रह है, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा प्रकल्प इस वक्त हमारा चल रहा है वो सृजन स्कूल है। ये सृजन स्कूल जब महाराज जी 2016 में मुरादाबाद आए थे, उस वक्त महाराज जी ने अपने कर कमलों से इस सृजन स्कूल को स्थापित करा, और इसमें वो गरीब बच्चे इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनके परिवार बच्चों को शिक्षा न दिलाकर अपने साथ जो है लगाकर घर घर उनसे छोटे छोटे काम कराते हैं और उनका भविष्य अंधकार में रह जाता है। इसमें हम बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं उनको, कापी किताबें वो सब जो है स्कूल की तरफ से दी जाती हैं, साथ ही उन्हें ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है वो सब निःशुल्क दी जा रही है। और इस वक्त हमारे इस सृजन स्कूल के अंदर कक्षा 1 से लेकर 5 तक करीब 70 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है मंथ और जो है कैसे हमें दिन भर की दिनचर्या का अपना रखना चाहिए ये सब चीज़ सीख रहे हैं। और मैं एक मुरादाबाद में सबको ये कहूँगा कि अपने समय समय पर आकर इस स्कूल को देखें, इसमें हम उनको जो है जो इंटरवल होता है उसमें अपनी तरफ से उन्हें हम भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, और जो भी इसमें आर्थिक रूप से इस भोजन में और इंटरवल में जो इसमें सहयोग करना चाहता है वो आमंत्रित करूँगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस वर्ष 2018 नवंबर में आखिर के सप्ताह में महाराज जी का कार्यक्रम है, उसमें भी मैं सबका सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, पुनः एक बार मैं जो है इस पब्लिक टीवी चैनल को धन्यवाद करूँगा जिसके माध्यम से इस सब हमारी चीज़ें दिवलोक आश्रम की पहुँच रही हैं। और मैं पुनः आपके पास एकदम फिर किसी समय निकाल कर फिर इसके बारे में बताऊँगा। हरिओम, धन्यवाद।